हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम एंड माई नेम इज रमनदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फाइव वीक स्टडी प्लान फॉर पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम राइट जो 2024 वाला है मार्च इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड आई एम गोइंग टू डिस्कस वॉट एग्जैक्टली यू शुड स्टडी मे बी आई एम गोइंग टू स्किप सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डोंट अब यूज मी इन द कॉमेंट सेक्शन बट ये इंपॉर्टेंट है इतना करके आपका एग्जाम निकल सकता है राइट लेट स्टार्ट द सेशन माई नेम इज रमनदीप सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम लास्ट थर्टीन ईयर्स नाउ दिस इज माई वाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्क योर डाउट एम एम गोइंग टू आंसर यू एंड पी एन बस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉर्स इट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम कॉम इन विच आई एम प्रोवाइडिंग विडियो क्लासेस नोट्स एंड द क्विजन एंड एवरीथिंग लिंक टू द डेमो इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन कल ही डेमो क्लास करी है प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग की वेरी इंपॉर्टेंट टू और थ्री क्वेश्चन हर साल आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जरूर करें राइट सो द सिलेक्शन प्रोसेस देर इज रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज वन मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इन रीजनिंग क्वान्ट एंड इंग्लिश एंड टू मार्क्स फॉर प्रोफेशनल नॉलेज ठीक है सो टोटल हंड्रेड मार्क्स हैं क्वान्ट रीजनिंग इंग्लिश के एंड हंड्रेड हैं प्रोफेशनल नॉलेज के सो द क्यू आर ई द क्वान्टीजनिंग एंड इंग्लिश i would highly recommend that you do practice of these topics i mean abhi aap kar sakte according to me i hope you have already done these topics in the past abhi aap practice right what you are supposed to focus on is professional knowledge these 100 questions you need to score like at least 50 50 60 here and that should be a great score according to me दैट शुड बी अ ग्रेट स्कोर फिफ्टी और सिक्सटी मार्क्स ये काफ़ी सफिशेंट अच्छा स्कोर रहेगा ओके एंड बाकी के यहाँ पे यूनीट टू स्कोर लाइक टेन टेन हेयर एंड मे बी ट्वेंटी हेयर एंड इट इज़ गुड टू गो आपका जो है सारे सेक्शनल सारे क्लियर हो जाएंगे फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू हो जाएगी इसमें एंड दैट यू शुड टारगेट अकॉर्डिंग टू बी फॉर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ओके आर बी आई सर्कुलर्स इन द वेरी फर्स्ट वीक यू आर सपोज टू डू द आर बी आई सर्कुलर्स फॉर लास्ट टू ईयर्स स्टूडेंट देर आर मास्टर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग आई आर ए सी नॉम्स के वाई सी गाइडलाइंस इन द बैंक इन द बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की गाइडलाइंस हैं फॉर द पेमेंट गेटवेज देर आर प्रॉपर गाइडलाइंस सो ऑल दैट यू नीट टू डू राय तो ये सारे आपको करने हैं ओके सो बिस ये सारे जो आपको करने हैं एंड व्हाट आर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आर बेसिकली अपडेट्स टू दॉज सर्कुलर मोस्ट ऑफ द टाइम्स

कैन नॉट जस्ट स्किप मास्टर सर्कुलर एट एनी कॉस्ट सो मास्टर सर्कुलर्स अलॉन्ग विद ऑल द अपडेट फॉर आरबीआई सर्कुलर लास्ट टू ईयर्स के आप ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के कर लीजिए प्लस ये जैन फेव मार्च के कर लीजिए मोर देन सफिशेंट वट आई डू इज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई डू माई कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आर बी आई सर्कुलर वो पढ़ लीजिए काफी सफिशियंट है पूरा सर्कुलर का एनालिसिस उसके बाद उसके क्वेश्चन करते हैं और वो सफिशियंट है फॉलोड बाई रेशियो एनालिसिस रेशियो एनालिसिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द होल प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन एवरी ईयर देर आर लाइक थ्री फोर फाइव क्वेश्चन फ्राम रेशियो एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस का टॉपिक इसके बाद एक बीटा का टॉपिक भी आता है इवन दैट इज इंपॉर्टेंट बीटा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट वाला टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इफ़ यू हैव डन एम बी ए फाइनेंस आपको पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन टेल यू की आउट ऑफ फिफ्टी यू कैन एक्सपेक्ट लाइक ट्वेल्व टू फिफ्टीन क्वेश्चन आउट ऑफ फ्रॉ आउट ऑफ दीज टॉपिक्स ओनली आप पिछले कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए कोई एग्जाम एनालिस उठा लीजिए यू विल फाइंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन क्वेश्चन और ये शोर शॉर्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हेव डन दीज टॉपिक्स आई मिल इट वुड बी वेरी ईजी टू मार्क द आंसर्स वेरी ईजी श्यार्ट शॉर्ट है आई मीन ओनली दीज टॉपिक्स कैन हेल्प यू क्रैक द एग्जाम ओके वीक टू में यूनिट डू द यूनियन बजट का एनालिसिस बेसिक एनालिसिस ऑफ यूनियन बजट कौन सी क्या क्या पढ़ना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है वेरी इम्पॉर्टेंट अपलोडेड ऑन बैंक एग्जाम छोड़े डॉट कॉम उसको एक अच्छे से देख लीजिएगा ओके बेसिकली स्कीम का एलोकेशन क्या है गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी आई है उसका एलोकेशन कितना है ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वट इज़ द फिजिकल डेफिसट बेसिकली इतना इतना करना है ओके गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अटल पेंशन योजना यानी वय वंदना योजना सुकन्या सुमृद्धि योजना किसान किसान यू नो क्रेडिट कार्ड्स पी पी एफ ऑल दॉ बेसिक स्कीम मुद्रा योजना जन ऑल दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू नॉट जस्ट कि ये स्कीम बेसिकली क्या है यू नीड टू गो इन डेप्थ सुकन्या समृद्धि okay. योजना के इनडेप्थ पे जानना है एंड आई हैव मेड प्रॉपर वीडियोज़ फॉर दैट ओके जीवन ज्योति बीमा योजना इज देयर राइट ऑल दॉस इंश्योरेंस स्कीम दॉज वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम द इन्वेस्टमेंट स्कीम यू हैव टू डू प्रायरिटी सेक्टर लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देन देर इज आई आर ए सी नाम्स वेरी इंपॉर्टेंट के वाई सी गाइडलाइंस हैं इसका मास्टर सर्कुलर है टाइप्स ऑफ चार्जेज एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड द डेवेटर्स डेरेवेटर्स में आपके सारे ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर वो सारे कर लेंगे दैट्स वॉट यू नीड टू डू इन द वीक टू राइट इन द थर्ड वीक आई वुड आई रिकमेंड यू टू डू ऑल द लॉज राइट लॉज आप कर लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर बी आई एक्ट नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आई बी सी सर्फ आई सी डॉक्यूमेंटेशन में आपका रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी एक्ट आ जाएगा राइट right? वो सारा कर लीजिए एंड दैन द बैंकिंग ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल द नॉमनी फॉर्म वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ माइनर द के वाई सी की बेसिक गाइडलाइंस यू यू हैव टू डू वन थिंग यू माइट हैव नोटेड इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर्ग नहीं है कंपनीज आर्ग नहीं है बिकॉज दो टॉपिक्स आर नॉट दैट कॉमन इन दिस एग्जाम ठीक है कंपनीज आर्ट में से उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं सो नाओ वट अबाउट द क्वॉंट रिजनिंग इन इंग्लिश और एक और ही चीज़ है कि वट आई रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू डू बैंकिंग अवेयरनेस कैप्सूल, बैंकिंग का कैप्सूल जरूर पढ़े हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का जो कैप्सूल हम बनाते हैं दैट्स हार्डली आई वुड से टेन ट्वेल्व पेजेस एंड आई एम गोइंग टू रिलीज वी आर गोइंग टू रिलीज पावर कैप्सूल फॉर दिस एग्जाम सो

मशीन इनपुट आउटपुट एनी क्वालिटी इस अलाउ सब का प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीेंशन क्लोज टेस्ट एडर स्पॉटिंग यह सबको मैंने इसलिए लिखा है कि वेन एवे यू फाइंड टाइम टू प्रैक्टिस यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस लाइक थर्टी फोर्टी मिनट्स एवरी डे दैट्स ऑल यू कैन डू आई नो यू हैव टू थ्री आवर्स पर डे एंड देन यू नीड टू टे अ मॉक टेस्ट सीरीज इफ़ यू आर नॉट डूइंग मॉक टेस्ट इन द लास्ट सेवन डेज टेन डेज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म वेल एट द टाइम ऑफ द एग्जाम प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इफ़ यू आर नॉट डूइंग मॉकटे सीरीज इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम इसके बिना नहीं हो पाएगा यू हैव टू टेक द मॉकटे सीरीज इफ़ यू आर टेकिंग फ्रॉम बैंक एग्जाम्स टूडे एनी एक्स वाईज ये वो अब कहीं से भी लो दैट इज अप टू यू देर आर सर्टन प्रोवाइडर्स जिनका मॉकटे सीरीज अच्छा नहीं है कईयों का अच्छा भी है टुडे इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस किसका अच्छा है, किसका नहीं अच्छा क्योंकि सी हर प्रोवाइडर जो है वो मेहनत करता है कोई भी बंदा जो एक टेस्ट सीरीज़ बना रहा है टीचर्स ने टेस्ट सीरीज़ बनाई है टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई हर बंदा अच्छा करने की कोशिश तो करता है तो इट्स यू हुज़ गोइंग टू डिस्कस आपको देखो किसका प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है कौन से टीचर्स का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है वन थिंग आई रिकमेंड टेस्ट सीरीज़ वहीं से लीजिए जहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं अगर किसी एग्जाम के लिए कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है तो ऑब्वियसली उनका वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होने वाला सो दैट्स वन थिंग आई वांट टू डिस्कस सो पी एन बी एस सो क्रेडिट ऑफिसर और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉर्स इट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम डॉट कॉम डेमो क्लासेज आई हैव ऑलरेडी डन येसटर्डे ऑन प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन एन दट सॉल्व फॉर अडे स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द टुडे सेशन लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑल दिस स्टूडेंट्स टू का कॉर्से इन द फास्ट इन द कैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आईम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम So, if there is any doubt in your mind, please ask your doubts, and I'm going to answer your doubts. So, thank you, and have a very nice day. Bye bye.